हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब करने बैठते हैं तो उसमें हमारा काफ़ी समय और पैसा लग जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ, जिसका इस्तेमाल करने से आप समय और पैसे की बचत कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ पर अदरक को लेकर के, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपकी अदरक 1 से 1.5 महीने तक चलेगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब भी आप अदरक लेकर के आती हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो आपको इसको ऐसे नहीं उठा करके सीधे फ्रिज में रख देना है पॉलीथीन सहित, इससे अदरक बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। सबसे पहले आपको एक काम करना, अदरक के जो बड़े बड़े पीस है ना, आप उसके छोटे पीस कर दीजिए जिससे पूरी एयर अंदर तक जाती रहे और अदरक जल्दी से सूख जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, जब अदरक लेकर के आते हैं ना, सबसे पहले अदरक को वो धुल देते हैं, मतलब वॉश कर देते हैं पानी से ताकि इसकी गंदगी निकल जाए। और होता क्या है, इसको ऐसे सुखाते हैं, तब भी इस समय बरसात का मौसम बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसकी वजह से अदरक के अंदर पानी के धुलने की वजह से ज़्यादा नमी आ जाती है, और उसके बाद चाहे हम लोग जितना भी सुखाएं वो अच्छे से सूखती नहीं और बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। देखिए धूप में हम लोग जब दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छे से सूखती है जिससे अदरक ख़राब नहीं होती है, लेकिन इस समय धूप का कहीं नामो निशान नहीं है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो रही हैं। अदरक एक ऐसी चीज़ है जो सर्दी और जुकाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है, तो अक्सर चाय में इसका यूज़ लोग करते हैं ताकि हम लोग को सर्दी जुकाम वगैरह ना हो। तो आप ज़्यादा क्वांटिटी में अदरक लाई हैं, करीबन 1 से 1.5 महीने तक चलाना है, तो सबसे पहले आपको अदरक लाने के बाद खुली हवा में छोड़ देना है, रात भर पंखे की नीचे हवा में छोड़ देना है ताकि अदरक में जो भी थोड़ा बहुत भी पानी या नमी हो पूरी सूख जाए। उसके बाद आपको पेपर में अच्छे से अदरक को डालना है, उसके बाद किसी पॉलीथीन में फोल्ड करके आपको इस तरह से फ्रिज में रख देना है। जब आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगी ना, तो आप देखेंगे आपकी अदरक जल्दी ख़राब नहीं होगी, करीबन 1 से 1.5 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। जब भी आपको निकालना है बस इस तरह से निकालिए, अदरक का यूज़ करिए और फिर इसे फ्रिज में उठा करके रख दीजिए। तो मेरी आजमाई हुई ट्रिक है, मैं इस तरह से अदरक ज़्यादा क्वांटिटी में लाती हूँ, करीबन 1-1.5 महीने आराम से चल जाती है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से वाइट शर्ट या वाइट कपड़े, जब बच्चे स्कूल पहन करके जाते हैं, आपने देखा होगा कि खेल खेल में बच्चे इस तरह से अपनी शर्ट में या आस्तीनों में लगा करके काफ़ी डॉट पेन लगा करके चले आते हैं। अच्छा, ये डॉट पेन हम लोग काफ़ी ब्रश या ब्रश रगड़ते हैं, साबुन रगड़ते हैं, तब भी अच्छे से क्लीन नहीं रहता, काफ़ी दाग भी इसमें गहरा बना रहता है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक बताओगी जिससे एक ही बार में इसके दाग निकल जाएंगे, बिल्कुल भी आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ले लेना है डेटॉल, डेटॉल वही जैसे हम लोग के कुछ कट वगैरह जाता है तो हम लोग डालते हैं, तो बस यहाँ पे आपको डेटॉल लेना है और बिल्कुल 2 से 3 बूंद आपको डाल देना है जहाँ जहाँ बच्चों ने इस तरह से इंक लगाई हो या डॉट पेन शर्ट पर चला दिया हो वाइट कपड़े पर, तो बस यहाँ पर 2 से 3 बूंद आपको इस तरह से शर्ट के ऊपर डाल देना है जहाँ भी बच्चों ने पेन के दाग लगा दिया है, इंक के दाग। इस तरह से जैसे ही आप डालेंगे कॉटन का कपड़ा लेना है, छोटा सा इस तरह से रगड़ देना है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी गहरी इंक यहाँ पे मैंने लगाई थी, डॉट पेन चलाया था, तो बस आपको करीबन 1-2 बूंद डेटॉल और डालना, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना, बस जैसे ही आप डालेंगे इसका कलर और भी डल हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, इससे आप देखेंगे बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा क्या होता है, जहाँ पे दाग या पेन के निशान बन जाते हैं तो हम लोग उस जगह पे साबुन और ब्रश बहुत ज़्यादा चलाते हैं जिससे वहाँ का कपड़ा काफ़ी हल्का हो जाता है और कपड़े भी बहुत जल्दी फटने लगते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी दाग हल्का हो गया है, मैं यहाँ पर साबुन या किसी डिटर्जेंट का यूज़ नहीं करूँगी, बस खाली पानी से धुल करके दिखा रही हूँ कि जो पहले दाग इतना गहरा था पेन का, वो पूरी तरह से क्लीन हो गया है सिर्फ पानी से। तो बस आप यहाँ पे थोड़ा सा डेटॉल लगाएंगी तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है, आप आराम से जितने भी पेन या इंक के दाग होंगे आप इजी तरीके से निकाल पाएंगी। चलिए आपको दिखाती हूँ, नॉर्मल पानी से मैंने वॉश किया है, जो कलर था वो इस तरह से पानी में आ गया, शर्ट देखिए पूरी तरह से साफ हो गई है, बिल्कुल भी कोई भी पेन का निशान नहीं है इसमें। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, अगर बच्चे स्कूल में इस तरह से पेन के दाग या इंक के दाग लगा के आते हैं तो आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगे तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे आटे का डो लगा कर को है, अक्सर आपने देखा होगा हम लोग को जब आटे का डो लगाना होता है, चाहे सुबह हो या शाम, बच्चों के लिए पूड़ी पराठा या रोटी तो बनानी ही पड़ती है, लेकिन होता है ना इस समय मौसम ऐसा चल रहा है कि पानी की वजह से इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, बहुत से लोगों की उंगलियाँ सेंसिटिव होती है या कट वगैरह कुछ लग जाता है, तो ऐसे में हम लोग आटे का डो नहीं लगा पाते, मतलब अच्छे से आटे को नहीं सान पाते हैं। हाथ में कोई चोट वगैरह या इन्फेक्शन हो तो बिल्कुल भी आटे का डो नहीं लगाना चाहिए, तो सभी लोग जानते हैं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम है या ऐसा हो जाता है, उंगली में कट वगैरह लग जाता है, तो आप इमरजेंसी में स्ट्रिक का यूज़ ज़रूर करके देखिएगा, ये बहुत ही अच्छे से वर्क भी करता है। जैसे हम लोग आटे से डो लगाते हैं, सेम आप इसी तरह से इस पॉलीथीन में फटाफट आटे का डो लगा सकती हैं, मतलब आटे को सान सकती हैं।
यहाँ पर देखिए मैंने करीबन 3 लोगों के लिए अच्छे से आटे का डो लगाने के लिए आटे को पॉलीथीन में डाल लिया। अच्छा, अभी मेरे हाथ में कोई चोट नहीं लगी इसलिए मैं हाथ से निकाल कर दिखा रही हूँ। अगर आपके हाथ में चोट हो तो आप यहाँ पर चम्मच का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड डाल देना है या सरसों का तेल या देसी जो कुछ भी आप डाल दीजिए, ये ज़रूर डालिएगा ताकि जो आटा है वो पॉलीथीन में ना चपके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको तेल को भी अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप यहाँ पर सारे काम चम्मच से करिएगा अगर आपके हाथ में चोट है। यहाँ पर देखिए मैंने पानी को डाल दिया है। बस अब आपको क्या करना है, इस तरह से पॉलीथीन को ऊपर से पकड़ना है। अगर एयर अंदर बन रही तो आप उसको निकाल दीजिए। बस आप इस तरह से जब आटे का डो लगाएंगे चारों तरफ से आपको पॉलीथीन इस तरह से चलाना है। आपको 2 से 3 बार करके थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इकट्ठा, नहीं तो अंदाज़ा मिलेगा नहीं पहली बार में, तो इस तरह से आटा गीला हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं करीबन 2 से 3 बार थोड़ा करके पानी डालूंगी ताकि मुझे अंदाज़ा लग जाए कि आटे का डो अच्छे से परफेक्ट बने, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ड्राई या बहुत ज़्यादा गीला ना बने। बस आपको इस तरह से पॉलीथीन को घुमाते जाना है और अच्छे से आटे का डो लगाएंगी तो आराम से लग जाएगा। बस यहाँ पे मैंने लास्ट बार पानी डाला, मुझे अंदाज़ा हो गया है कि अब कितना पानी पड़ना है। बस आप पॉलीथीन घुमा घुमा के हल्के हाथों से प्रेशर देंगी, आटा बहुत जल्दी सन करके तैयार हो जाएगा, लगेगा ही नहीं कि आप लोग ने इस आटे को पॉलीथीन में गूंथा है। अच्छा, चोट लगी होती है तो ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगता है और ना ही चोट लगे हाथे से हम लोग को आटे को सानना भी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आटे का डो फटाफट लग गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। अगर ऐसी कोई इमरजेंसी पड़ती है, हाथ में चोट वगैरह लग जाती है, तो आप यहाँ पे कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए, ऐसा नहीं आप इसी पॉलीथीन का यूज़ करिए। बस थोड़ा बहुत अच्छा आटा पॉलीथीन में लगा रहता है तो बस आटे को आप उठाइए, जो भी थोड़ा बहुत पॉलीथीन में आटा लगा आप इस तरह से निकाल लीजिए। हेलमेट वगैरह लग जाती है तो हम लोग बैंडेड भी लगाते हैं, उस समय भी हम लोग आटे का डो अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके आप अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। आटा भी आपका फटाफट सन जाएगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल ट्रिक। अगर आपको कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है तो आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है। ऐसा नहीं है कि इसकी रोटियाँ अच्छी नहीं बनेगी, इसकी रोटियाँ भी बहुत भी अच्छी बनेगी और ये खाने में भी उतनी स्वादिष्ट लगेगी। तो इमरजेंसी में आप इस ट्रिक का यूज़ एक बार ज़रूर करके देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल टिप है। अगली टिप मेरी यहाँ पे ब्रश को लेकर के, आपने देखा होगा जो ब्रश वगैरह होते हैं ना, जब एक जैसे एक कलर के आ जाते हैं और घर में बच्चे 4-5 मेंबर हो तो उनको दिक्कत होती है, कभी एक दूसरे का ब्रश उठा लेते हैं जिससे काफ़ी दिक्कत होती है। अगर ऐसा कभी हो जाता है, आपके घर में भी एक ही कलर के 2 से 3 ब्रश आ जाते हैं और करने में दिक्कत होती है, रोज़ होता है कि ये किसका ब्रश है और ये किसका ब्रश है, तो इसका सोल्यूशन आप घर पे ही कर सकती हैं। यहाँ पे क्या करना है, नेल पेंट, सिंपल सा आइडिया है। यहाँ पे आप कलरफुल नेल पेंट ले लीजिए कोई भी। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 कलर नेल पेंट है मेरे पास। तो यहाँ पे देखिए 2 ब्रश एक जैसे हैं और 2 ब्रश दूसरे भी एक जैसे हैं। तो यहाँ पे मैंने रेड नेल पेंट ली है, इस तरह से ब्रश में लगा दी है। बस आपको लगा देना है, थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देना है। अच्छा, जैसे कन्फ्यूज़न होती थी कौन सा ब्रश यूज़ करना है, तो बस यहाँ पे जब आप कलर लगा देंगी आपको एक ब्रश में लगाना है जो दोनों एक जैसे हैं, तो इससे पता चल जाएगा कौन ब्रश किसका है। तो यहाँ पे दूसरे पे भी आप इस तरह से एक ब्लैक कलर का नेल पेंट लगा दें, इससे ये पता चल जाएगा कि ये ब्लैक नेल पेंट वाला ब्रश से जिसको भी करना है वो रोज़ इसी से करेगा, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अक्सर ऐसा होता है ना कि ब्रश एक जैसे बच्चे ले आते हैं और वो जब करते हैं तो उनको दिक्कत होती है, वो घिन भी आती है। इस तरह से जब आप निशान लगा देंगी तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से बच्चे अपने अपने ब्रश से ब्रश को करेंगे। तो यूज़फुल आइडिया, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहीं पर वीडियो का मैं एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पहली बार देख रही तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा।